दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के अपकमिंग डिवाइस रियलमी 6 के बारे में। काफी पॉपुलर रहा है ये स्मार्टफोन। अभी न्यूज में इसके सारे लीक्स और रूमर्स, बहुत सारे कंफर्मेशन सामने निकल कर आए हैं। जैसा कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 710 का SoC, साथ में मिड रेंज वाला पेंटा रियर कैमरा। इसके बॉक्सेस से लीक होकर यह कन्फर्मेशन आ चुकी 100%। और भी सारे बहुत कुछ स्पेसिफिकेशंस, तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है आपको इस स्मार्टफोन में, कब तक और कितने प्राइस के रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में और भी दूसरे कंट्रीज में देखने को मिल सकता है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले इसके डिजाइन से, तो इसके रियलमी के सीरीज में इस बार काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन में। डायमंड कट जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक फिनिश के साथ आएगा, साथ में पेंटा रियर कैमरा का पहली बार बजट रेंज में रियलमी की तरफ से आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें तो एक पंच होल डिस्प्ले जो कि कंफर्मेशन आ गई है कि इसमें मिलने वाला है। साथ में 6.5 इंच का एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा एक स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलने वाला आपको इस स्मार्टफोन में। साथ में बैक में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस यानी इसके प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन के 710 का SoC जो कि बेसुका 2.1 GHz के ऊपर, साथ में 6110 का GPU भी इसमें सपोर्टेबल होगा, जिससे कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में कोई भी लैग या कोई भी इनसफिशियंसी महसूस नहीं होने वाली है। इसके साथ अगर रैम वेरियंट और स्टोरेज की बात करें तो मिनिमम दो वेरियंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, 464 GB एंड 6128 GB। दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके मोस्ट अवेटिंग फीचर्स यानी कैमरास की। तो रियलमी से एक्सपेक्टेशन रहता है काफी कैमरा का, तो इस बार भी ये मिड रेंज में पेंटा रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। प्राइमरी रेजोल्यूशन 48 MP जो कि सोनी का IMX586 का सेंसर होगा, ये कंफर्म है। बाकी के रेजोल्यूशन कंफर्म नहीं है, बट लीक्स के अकॉर्डिंग 2 माइक्रो लेंस, 1 डेप्थ सेंसर और एक साथ में टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें तो एक 16 MP का सेल्फी कैमरा जो कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर ही मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो कैमरा के मामले में ये इस बार भी आपको काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फूडिंग, हाँ दोस्तों फूडिंग यानी इसके बैटरी की, तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो कि मिनिमम 30 W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी। साथ में अगर इसके अदर फीचर्स की बात करें तो NFC टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm जैक भी आपको देखने को मिलेगा। और वहीं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 10 जो कि बेस होगा कलर OS 7 के ऊपर जो कि रिसेंटली रियलमी ने लॉन्च किया है इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, फाइनली इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट 2020 के फर्स्ट क्वार्टर यानी मार्च या अप्रैल तक ये स्मार्टफोन आपको चाइना में और इंडिया में दोनों में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट आपको मिनिमम 10,000 के रेंज में तो देखने को मिल जाएगा। तो अगर 10,000 में देखा जाए तो आपको पेंटा रियर कैमरा, इसका मोस्ट अवेटिंग फीचर्स देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, साथ में स्नैपड्रैगन के 710 का SoC, एक अच्छी बैटरी, तो एक कंपेटेबल प्रोडक्ट आपको 10,000 के रेंज में या 12,000 तक देखने को मिल सकता है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है। तो यही था दोस्तों रियलमी 6 से कुछ कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।